ट्रे। उल्फत के दरद पे फुरकत का यूं शर्माना, उल्फत के दरद पे फुरकत का यूं शर्माना। पहली लाइन समझ में आए तो मुझे भी जरा समझाना। बच्चों की लाइफ वैसे कूल होती है, लेकिन दो चीजें उनका पसीना छुड़ा देती, एक गर्मी, दूसरा पापा मम्मी। अब मम्मी क्यों? मुझे तो लगता है मेरा पहला वाला शेर समझना आसान था, लेकिन मम्मी पापा को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर मैं कोई भी सवाल पूछूं तो मुझे एक ही जवाब सुनना पड़ता है। अब तुम बड़ी हो गई हो, अब सवाल ये है कि मैं बड़ी हो गई हूँ कि नहीं। कल मैंने पापा से पूछा था कि अगर मैं बड़ी हो गई हूँ तो क्या मम्मी को बिना मुझे बाहर चली जा सकती हूँ? तो पापा बोले, अरे बेटा इतना बड़ा तो मैं भी नहीं हुआ, मैं भी तुम्हारी मम्मी को बिना पूछे बाहर नहीं जाता। मम्मी पापा का लॉजिक ही मेरे समझ में नहीं आता। आपको पता है ये मम्मी पापा बहुत डिमांडिंग होते हैं। पहले मैं चुपचाप अपने कमरे में शांति से कोने में बैठ के टीवी देख रही थी, तो वो मुझ पर चिल्लाए कि मैं बाहर खेलने क्यों नहीं जाती। खेलना शुरू किया तो पापा बोले कि मैं घर में सिर्फ काम होता है तभी आती हूँ, कुछ पढ़ाई भी तो करनी चाहिए ना। मैंने पढ़ाई शुरू की, हैंडराइटिंग गंदी दिखाई दी। मैंने हैंडराइटिंग अच्छी की तो उनको स्पेलिंग मिस्टेक दिखाई दी। अब छोटी सी नन्ही सी बच्ची करे भी तो क्या करे, आज ही उनका झगड़ा हो गया। वो इस बात पर झगड़ रहे थे कि मैं किसकी वजह से इतनी बिगड़ गई। मम्मी को लगता है पापा के ज्यादा काम से, और पापा को लगता है मम्मी के ज्यादा प्यार से। दोनों ही पूरा राशन पानी लेकर इस नन्ही सी जान के पीछे पड़ गए थे। बस बहुत हो गया, मैंने तो डिसाइड कर लिया, लाइव टू इन्फॉर्मेशन ऐप का उपयोग करूंगी और एक फॉर्म भर के मम्मी पापा को पूछूंगी कि आप एग्जैक्टली चाहते ही क्या हैं। अगर मुझे पता चला तो मैं आपको बताऊंगी। बस मेरी एक आखिरी गुजारिश है, उल्फत के दर्द पे फुरकत का यूं शर्माना, उल्फत के दर्द पे फुरकत का यूं शर्माना। मम्मी पापा समझ में आए तो मुझे भी जरा समझाना। थैंक यू।